everyone welcome वेलकम टू YouTube channel चैनल ऑडियो वर्स रिंग कारनेशन ऑफ बिजनेस दो हजार नौ सौ इक्कीस टू दो तांग जियांग को अगले अध्यक्ष बनने के लिए पहले से ही प्रशिक्षित किया गया था लेकिन वह व्यवसाय समूह को सफलतापूर्वक संभाल पाएंगे या नहीं यह बाद में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था लेकिन तांग यूनफान का पद संभालने में उन्हें दर्जनों साल लग सकते हैं टैंग यूनफान की शारीरिक स्थिति और काव्या की मदद को देखते हुए टैग यूनफान अगले 20 वर्षों तक कंपनी का प्रबंधन कर सकता था दूसरी ओर तांग जियाकाई को एक सार्वजनिक संस्थान द्वारा स्वीकार कर लिया गया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या हासिल करने का लक्ष्य रखा था उसे जमीनी स्तर से अनुभव अर्जित करना था भले ही उन्हें टैन परिवार का समर्थन प्राप्त था फिर भी उन्हें अपना करियर बनाने के लिए खुद पर भरोसा करने की जरूरत थी योग्यता के बिना उन्हें नहीं पता होगा कि अपना काम कैसे करना है भले ही उन्हें निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया हो तांग जियाकाई और तांग तांगजियांग ने तांग जियांग के दो अच्छे दोस्तों को जब वह कंट्री वाई में पढ़ता था साथ ही उसकी प्रेमिका को भी बाहर आने के लिए बुलाया जियाकाई तुम इतने सालों से अकेली हो क्या आप अभी तक किसी ऐसी लड़की से नहीं मिले जो आपको पसंद हो अब आप हमारे बीच अकेले हैं काव्या ने तांग जियाकाई को चिढ़ाया मैं किसी ऐसी लड़की से नहीं मिल सकता जो मुझे पसंद हो मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना है तांग ज्याकाई ने झुकी हुई नजर से संकेत दिया कभी कभी जब वह किसी प्रेमी जोड़े को देखता था तो वास्तव में उसकी एक प्रेमिका बनाने की इच्छा होती थी लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी तक किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला था जिसे वह पसंद करता हो ठीक है यह कहना कठिन है शायद एक दिन तुम अपने प्यार से मिलोगे काव्या ने उसे सांत्वना दी काव्या की मुलाकात लिंग शाउटिंग से हुई तो उसे प्यार हो गया दरअसल पुनर्जन्म के बाद वह दोबारा प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे लेंग शाउटिंग से प्यार हो गया और कुछ ही समय में वे एक दूजे के हो गए ओह ज्यायांग क्या आप अभी तक अपनी प्रेमिका को घर ले गए हैं काव्या ने तांग ज्यांग से पूछा अभी तो नहीं लेकिन मेरे परिवार को पता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है वे इससे खुश है जब तक मैं खुश हूं मेरी प्रेमिका तैयार नहीं है इसलिए मेरे पास अभी तक उसे देखने के लिए घर ले जाने का विचार नहीं है मुझे उसकी भावनाओं की परवाह करने की जरूरत है तान जियांग ने उत्तर दिया तुम कितने प्यारे प्रेमी हो मुझे कहना होगा कि तैन परिवार के पुरुष वास्तव में अच्छे आदमी हैं। काव्या ने प्रशंसा की क्योंकि तान जियांग मेजबान थे वे पहले पहुंचे क्या आपको अपनी प्रेमिया को लेने की जरूरत नहीं है काव्या ने पूछा कोई जरूरत नहीं है उसका बड़ा भाई उसे चलाएगा आज जब हमारा काम खुम हो जाएगा तो मैं उसे घर भेज दूंगा तान जियांग ने कहा लगभग दस मिनट बाद तांग जियायांग की प्रेमिका आई और वह तुरंत उसका स्वागत करने के लिए बाहर चला गया थोड़ी देर बाद तांग जियायांग एक सुंदर और सुंदर लड़की के साथ वापस आई एक बार जब वे अंदर थे तांग जियायांग ने लड़की को काव्या से मिलवाया यह मेरी चचेरी बहन है काव्या मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है मिस काव्या आपको देखकर अच्छा लगा मैं जू सिवेन हूँ और मैं जियायांग की प्रेमिका हूँ जू सिवेन ने उत्साहपूर्वक काव्या का स्वागत किया उसने काव्या के करियर के बारे में बहुत कुछ सुना था और काव्या की बहुत प्रशंसा करती थी आखिरकार काव्या ने केवल 18 साल की उम्र में अपनी कंपनी बनाई और एक साल के भीतर ही यह एक बड़े व्यापारिक समूह के रूप में विकसित हो गई फिलहाल उनका बिजनेस ग्रुप अपने देश में काफी मशहूर था और वह लेंग परिवार की पोती भी थी काव्या को आशीर्वाद देना चाहिए क्या मैं आपको मिस जू के बजाय सीधे सीवेन कह सकता हूँ यह करीब लगता है काव्या ने पूछा चूंकि जू सिवेन तांगजियांग की प्रेमिका थी और तांग तांगजियांग का उससे शादी करने का इरादा था इसलिए वह जू सिवेन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करेगी अन्यथा जू सिवेन को अजीब महसूस होगा इससे पहले कि वह उनसे परिचित हो वह एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कर सकती थी काव्या की बातें सुनकर जू सीवेन बहुत उत्साहित हो गई दरअसल उसे डर दर था कि काव्या उसे पसंद नहीं करेगी हालांकि जू सीवेन एक गुणवत्तापूर्ण लड़की थी फिर भी जब वह पहली बार अपने प्रेमी के परिवार से मिली तो वह घबरा गई वह वास्तव में उनके बारे में उनकी राय की परवाह करती थी हर कोई खुशी से एक नए परिवार में शामिल होना चाहेगा अच्छा तो मैं तुम्हें मिस काव्या कहूँगा मैं तुम्हें काव्या कह सकता हूं अगर आपको परेशानी ना हो तो जू सिवेन ने पूछा क्योंकि काव्या तांग जियाम की चचेरी बहन थी इसलिए उसे डर था कि अगर उसने सीधे उसका नाम बुलाया तो काव्या को बुरा लग सकता है बिल्कुल नहीं काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि जू सिवेन पहले तांग जियाकाई से मिल चुकी थी इसलिए तांग जियांग को उनका परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी उसके बाद तांग तामजियांग ने जू सिवेन को काव्या के बगल में बैठने के लिए कहा सच कहूं तो जू सीवेन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई लेकिन फिर भी उसने खुद को संयमित रखा कुछ ही देर में तांग तामजियांग के दो दोस्त भी आ गए जू जूसिवेन उन दोनों को जानती थी लेकिन तांग जियाकाई और काव्या उनसे पहली बार मिले थे इसलिए तांग तामजियांग ने परिचय कराया तांग तामजियांग के दो दोस्त सिटी बी में पैदा हुए थे और थोड़े समय के लिए ही घर वापस आए थे उन्होंने काव्या के बारे में नहीं सुना था और केवल इतना जानते थे कि वह तांग जियाकाई और तांगज्यायांग की चचेरी बहन थी हालांकि काव्या की उत्कृष्ट उपस्थिति के कारण वे दोनों उसकी ओर आकर्षित थे और मौका मिलते ही उससे बात करते थे शुरुआत में उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया क्योंकि यह शर्मनाक होगा इसलिए उन्होंने उसी समय जियाकाई के साथ बातचीत की जिससे वे बहिर्मुखी लगने लगे वैसे भी वे आमतौर पर बातूनी थे इसलिए किसी को भी उनमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता था लेकिन धीरे धीरे वे काव्या में अपनी रुचि छिपा नहीं सके और तामज्यायाम को बार बार उन्हें टोकना पड़ा तामज्यायाम को लगा कि उन्हें सीधे तौर पर यह बताना अनुचित होगा कि काव्या पहले से ही शादीशुदा थी क्योंकि उन्होंने काव्या में बहुत रुचि होने के बावजूद कुछ भी अभद्र नहीं कहा इसलिए अगर उन्होंने सीधे कहा कि काव्या शादीशुदा थी तो उन्हें शर्मिंदगी होगी लगभग रात दस बजे काव्या का फ़ोन बजा और वह लेंग शाउटिंग था उसने अन्य लोगों के सामने ही उसका फोन उठाया वह देख सकती थी कि तांग जियांग के दोस्त उसमें रुचि रखते थे इसलिए उसने जानबूझकर उनके सामने लेंग शाउटिंग की कॉल का जवाब दिया वह उन्हें बताएगी कि उसका पहले से ही एक पति है और उन्हें उससे विनम्र दूरी बनाकर रखनी चाहिए हाई प्रिय अब तुम कहाँ हो काव्या ने पूछा यह सुनकर दोनों व्यक्ति अवाक रह गए शहद क्या उसका पहले से कोई या प्रेमी था आजकल जोड़े एक दूसरे को हनी कहकर बुलाते हैं चाहे वे डेटिंग कर रहे हों या शादीशुदा शुदा हो इसलिए यह उसका प्रेमी या पति हो सकता है लेंग शाउटिंग ने कहा मैं अभी अभी विमान से उतरा हूँ जियांग और मैं एक्सेक्स क्लब में है तुम यहाँ क्यों नहीं आते हम कक्ष एक्सेक्स में है काव्या ने आमंत्रित किया जरूर लेंग शाउटिंग ने कहा फोन रखने के बाद तांग जियांग ने जानबूझकर मजाक किया तुम्हारे पति तुम्हें इतना याद करते हैं कि फ्री होते ही तुमसे मिलने सिटी भी आ गए ठीक है ओह अब आपकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है तांग जियाकाई ने पूछा मेरी सास इसे तैयार कर रही है ये बस होने वाला है हमें केवल चुनी गई तारीख तक इंतजार करने की जरूरत है काव्या ने कहा क्या क्या मिस काव्या अभी अभी ग्रेजुएट नहीं हुई वह पहले से ही शादीशुदा है एक आदमी ने आश्चर्य से पूछा हाँ जब मैं हाई स्कूल में सीनियर थी तो मुझे अपने पति से प्यार हो गया फिर हमारी सगाई हो गई लेकिन जब तक मैं सहमति की उम्र तक नहीं पहुंच गया हम कानूनी जोड़े नहीं बन सके काव्या ने उत्तर दिया दोनों व्यक्ति तुरंत निराश हो गए लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया यह जानने के बाद कि काव्या का पहले से ही एक पति है उन्होंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया लेकिन वे विनम्र बने रहे वे काव्या के प्रति सिर्फ इसलिए असभ्य नहीं हो गए क्योंकि उनके पास उसके साथ मौका नहीं था लगभग पचास मिनट बाद लेंग शाउटिंग पहुंचे जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने लेंग शाउटिंग को देखा उन्होंने अपनी विफलता स्वीकार कर ली काव्या का पति उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत था और रौबदार था क्या आपको डर नहीं लगा कि दादाजी लेंग और आपकी माँ इस बात से नाखुश होंगे कि आप समय मिलते ही मुझसे मिलने सिटी भी आ गए काव्या ने लेंग शूटिंग से पूछा तुम मेरी पत्नी हो उन्हें दुखी क्यों होना चाहिए मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं आपकी इतनी परवाह करता हूँ तो वे बहुत संतुष्ट होंगे तुम्हारे बिना मैं अकेला ही मर जाता लेकिन सौभाग्य से मुझे तुम्हारी वजह से प्यार हो गया लेंग शाउटिंग ने उत्तर दिया दूसरे लोगों के सामने मीठी मीठी बातें कहने में उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी लगभग बारह बजे वे अलग हो गए काव्या और लेंग शाओजिया हुआफू हिल्स वापस चले गए जबकि तांग जियायांग और तांग जियाकाई घर जाने से पहले जू सिवेन को घर ले गए तांग जियायांग के दो दोस्त अपने आप घर चले गए काव्या और लेंग शूटिंग के चले जाने के बाद उन्होंने घर जाने के लिए टैक्सी लेने में जल्दबाजी नहीं की इसके बजाय उन्होंने टहलने का फैसला किया फिर काव्या ने लेंग शाउटिंग को बताया कि वह अचानक सिटी बी में क्यों आई जब वे चल रहे थे एक कार उनके पास से गुजरी लेकिन उन्हें उसमें से ताजा खून की गंध आ रही थी और उसमें से बुरी ऊर्जा भी फैल रही थी काव्या और लेंग शाउटिंग ने एक दूसरे पर नजर डाली फिर तुरंत उसका पीछा किया उसी समय काव्या ने अपनी जेड़ आंखों का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया कि कार में क्या है आश्चर्य की बात है कि उसने कई पिशाच देखे और उनमें से एक एक लड़की का खून चूस रहा था बिना देर किए काव्या ने अपनी जादुई ऊर्जा बुलाई और कार के टायर पर वार कर दिया बूम! एक टायर पर जादुई ऊर्जा का प्रभाव पड़ा और वह फट गया एक बार टायर फटने के बाद कार को रोकना पड़ा और दो आदमी यह देखने के लिए बाहर निकले कि क्या हुआ था जब उन्होंने देखा कि टायर फट गया है तो वे तुरंत अतिरिक्त टायर निकालने गए ठीक उसी समय काव्या और लेंग शाउटिंग कार के पास गए और मददगार होने का नाटक किया क्या मैं मदद कर सकता हूँ काव्या ने पूछा कोई जरूरत नहीं है उस आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया मुझे डर है कि यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है काव्या ने व्यंग किया इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते उसने उन पर हमला कर दिया लेंग शूटिंग को उन्हें हराने की जरूरत थी जबकि काव्या को मुख्य रूप से लड़की को बचाने की जरूरत थी पुरुषों के समूह को उम्मीद नहीं थी कि काव्या और लेंग शाउटिंग उन पर हमला करेंगे इसलिए वे तैयार नहीं थे लेकिन वे मजबूत भी थे इसलिए वे तुरंत वापस लड़े हालांकि वे भी कुशल थे लेकिन उनकी तुलना काव्या और लेंग शाउटिंग से नहीं की जा सकती थी इसलिए काव्या ने तुरंत उस लड़की को उन पिशाचों से बचाया लड़की का बहुत खून बह चुका था लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी जीवित थी काव्या ने बिना देर किए लड़की के शरीर में जादुई शक्ति डाल दी वे पिशाच लेंग शाउटिंग की क्षमताओं से आश्चर्यचकित थे और वे भागना चाहते थे लेकिन लेंग शाउटिंग ने उन्हें जाने नहीं दिया कुछ ही देर में वे सभी पकड़ लिए गए देर रात होने के कारण सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रुककर लड़ाई देख सके लेंग शाउटिंग ने उन पिशाचों को पीटने के बाद उन्हें कार की पिछली सीटों पर फेंक दिया फिर उन्होंने फोन किया काव्या की जादुई शक्ति तेजी से लड़की के शरीर में प्रसारित हुई इसलिए लड़की धीरे धीरे ठीक हो गई और अपनी चेतना वापस पा ली लेकिन वह स्पष्ट रूप से डरी हुई थी भय से भरकर वह कांपना बंद नहीं कर सकी डरो मत अब आप ठीक है हमें अपना नाम और अपने परिवार का नंबर बताएं हम आपको घर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं काव्या ने लड़की को धीरे से सांत्वना दी उसने लड़की को उसके आतंक से छुटकारा दिलाने में मदद करने की पूरी कोशिश की टू लड़की मुश्किल से एक वाक्य पूरा कर पाई काव्या ने उससे आग्रह नहीं किया लड़की के शांत होने के बाद उसने काव्या को अपना नाम और अपने पिता का फोन नंबर बताया बाद में काव्या ने तुरंत अपने पिता को फोन किया चूंकि लड़की काफी देर तक गायब नहीं हुई थी इसलिए उसके परिवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका अपहरण कर लिया गया है इसलिए जब काव्या ने लड़की के पिता को बुरी खबर सुनाई तो वह हैरान और भयभीत हो गए लड़की ने उसी समय अपने पिता को फोन किया तो उसके पिता को काव्या की बात पर यकीन हो गया उसके पिता ने उनका स्थान पूछा फिर जल्दी से आ गए लड़की के माता पिता के आने से पहले लेंग शाउटिंग के लोग आए लेंग शाउटिंग ने ट्रक चलाने के लिए किसी को बुलाया फिर वह उन पिशाचों को ट्रक में ले गया क्योंकि उन पिशाचों की कार अब बेकार हो गई थी आधे घंटे बाद लड़की के माता पिता आए उन्होंने लड़की को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे लड़की के पिता उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे लेकिन लेंग शाउटिंग ने उन्हें रोक दिया हालांकि लड़की के पिता इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थे फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और पूछा क्या आपने पुलिस को नहीं बुलाया आप उन लोगों से कैसे निपटेंगे हमने पुलिस को नहीं बुलाया लेकिन मैं एक सैनिक हूँ इसलिए मैं इस मामले को गंभीरता से लूंगा लेंग शाउटिंग ने अपना अधिकारी प्रमाण पत्र निकालते हुए कहा लड़की के माता पिता को सेना में रैंक के बारे में बहुत कम पता था लेकिन लेंग शाउटिंग का अधिकारी प्रमाण पत्र देखने के बाद उन्हें राहत मिली इसके बाद लड़की के माता पिता उसे ले गए एक बार जब वे चले गए तो काव्या और लेंग शाउटिंग अपनी कार में वापस आ गए लेंग शाउटिंग के लोग पिशाचों की कार से निपटने के लिए रुकेंगे काव्या और लेंग शाउटिंग कानून के अनुसार उन पिशाचों से नहीं निपटेंगे वे समस्या को निजी तौर पर हल करेंगे इसलिए वे तब तक रुके जब तक वे शहर के केंद्र से बहुत दूर नहीं हो गए फिर पिशाचों से पूछताछ की आप हमारे देश में क्यों आए लेंग शूटिंग ने पूछा किसी ने जवाब नहीं दिया लेंग शाउटिंग ने उन पर दबाव डाला और फिर पूछा मुझे बताओ तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो दबाव में आकर आखिरकार एक पिशाच ने अपना मुंह खोला किसी कार्य को पूरा करने के लिए कौन सा कार्य लेंग शूटिंग ने पूछा पिशाच एक बार फिर चुप हो गया इसलिए लेंग शाउटिंग ने उस पर दबाव बनाना जारी रखा मेंग झोकाई की हत्या करने के लिए सिटी बी के महासचिव मेंग झोकाई तांग युनहांग के ही गुट के थे यदि वे मेंग झोकाई की हत्या करने आए तो मेंग झोकाई या तांग युनहांग निशाना हो सकते हैं वे एक ही नाव पर थे इसलिए वे भी एक ही खतरे में हो सकते हैं आप मेग जोकाई को क्यों मारना चाहते हैं लेंग शूटिंग ने पूछा मुझे नहीं पता हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं तुम्हें और क्या काम सौंपा गया है लेंग शूटिंग ने पूछा कुछ नहीं क्या आपके अलावा और भी लोग हैं लेंग शूटिंग ने पूछा पिशाच कुछ सेकंड तक चुप रहा फिर बोला हाँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहा है और क्या कर रहे हैं उस स्थिति में लेंग शूटिंग ने पूछना बंद कर दिया पूछताछ के बाद लेंग शाउटिंग ने उन पिशाचों को मारने का फैसला किया वे सामान्य इंसान नहीं थे इसलिए सीधे तौर पर उन्हें मारना उनके लिए गलत नहीं था लेकिन लेंग शाउटिंग अपने हाथों से ऐसा नहीं करेंगे इसके बजाय उसने बाढ़ ड्रैगन को पिशाचों को जीवित निगलने का आदेश दिया यह क्रूर था लेकिन वे दुश्मन थे इसलिए उसे निर्णायक होना ही चाहिए यदि वह अपने शत्रुओं को सहन करेगा तो वह स्वयं के प्रति क्रूर होगा उसके बाद उसने फ्लड ड्रैगन को आदेश दिया कि वह पूरे सिटी बी में चारों ओर देखे और देखे कि क्या अन्य पिशाच भी हैं। तुम्हें इस बारे में अपने चाचा को बताना होगा आखिरकार मेंग जोकाई उनके जैसे ही गुट में है लेंग शूटिंग ने काव्या से कहा जरूर मैं कल उससे मिलने जाऊंगी काव्या ने उत्तर दिया फिर काव्या और लेंग शाउटिंग हुआफू हिल्स वापस चले गए अगली सुबह काव्या और लेंग शाउटिंग ने हुआफू हिल्स में नाश्ता किया फिर तांग परिवार से मिलने गए टैंग परिवार ने बड़ी मुस्कुराहट और गले लगाकर लेंग शाउटिंग का स्वागत किया वे चाहते थे कि वह घर जैसा महसूस करें शूटिंग क्या आपका वजन कम हुआ क्या आप आंचल काम में व्यस्त हैं टांग हाइफेंग ने पूछा काव्या ने आंखें घुमा ली लेंग शाउटिंग का वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ वास्तव में नहीं मैं हाल ही में प्रशिक्षण ले रहा हूं लेंग शाउटिंग ने कहा ठीक है यह थका देने वाला होगा इसलिए आपको अधिक खाने की जरूरत है टांग हाइफेंग ने कहा भले ही वह जानता था कि लेंग शाउटिंग अपनी अच्छी देखभाल कर सकता है एक बुजुर्ग के रूप में उन्हें युवाओं की परवाह करनी चाहिए यकीनन मैं करूंगा लेंग शाउटिंग ने विनम्रता से उत्तर दिया तांग परिवार के घर पर दोपहर का भोजन करने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग ने तांग तांगयन को देखने जाने से पहले थोड़ी देर आराम किया चूंकि जिस सार्वजनिक संस्थान में वे काम करते थे वह उनके घर से बहुत दूर था वे आमतौर पर दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आते थे उनसे मिलने जाने से पहले काव्या ने यह सुनिश्चित करने के लिए फोन किया कि तांग युनहान के पास समय हो वे फोन पर बातचीत नहीं कर सकते थे इसलिए काव्या ने तांग तादयुन्हांग से आमने सामने बात करने का फैसला किया तांग तांगयुन्हांग का कार्यालय एक बार जब काव्या तांग यूनहम से मिली तो उसने उसे खबर दी कि मेंग झोकाई की हत्या की जा सकती है लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि पिशाचों के एक समूह को ऐसा करने का आदेश दिया गया था खबर सुनकर तांग तामयुनहान को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन वह बेहद गुस्से में था वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे क्योंकि राजनीति में हत्याएं असामान्य नहीं थी आखिरकार बहुत सारे लोग थे जो उन्हें बदलना चाहते थे इसलिए वे अक्सर खतरे में थे हालांकि काव्या ने कहा कि हत्यारे दूसरे देश से थे तांग यूनहान का मानना था कि मास्टरमाइंड उसके जैसा ही था तांग यूनहाम ने कहा मैं मेंग झोकाई को अधिक सावधान रहने के लिए कहूंगा सिर्फ वह ही नहीं आपको भी सावधान रहने की जरूरत है हम नहीं जानते कि मेंग झोकाई ही एकमात्र लक्ष्य है या आप भी है आखिरकार इस समय हमारे देश में हत्यारों का एक और समूह है और हम नहीं जानते कि वे कहा है और इस समय क्या कर रहे हैं लेंग शाउटिंग ने चेतावनी दी यह सुनकर तांग यूनहान ने गंभीर भाव व्यक्त किया निश्चित ही मैं भी अधिक सावधान रहूंगा हालांकि क्योंकि उनके दुश्मन पिशाच थे तांग तांगयुनहान पकड़े जाने पर अपनी रक्षा नहीं कर सका चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो इसलिए काव्या और लेंग शूटिंग को व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आना पड़ा काव्या ने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली जिसके अंदर तीन पावर क्रिस्टल उसने इसे तांग यूनहान को सौंप दिया और कहा अंकल इसे ले लो और इसे अपने साथ ले जाओ यदि आप घायल हैं या आप पर हमला हुआ है तो अपनी जान बचाने के लिए एक गोली ले धन्यवाद काव्या कांग यहांग ने चीनी मिट्टी की बोतल स्वीकार कर ली बाद में काव्या और लेंग शूटिंग चले गए हालांकि जैसे ही वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे और अपनी कार में बैठे उन्हें बुरी ऊर्जा का आभास हुआ परिणाम स्वरूप वे तुरंत नहीं गए कुछ ही देर में एक एमपीवी अपने साथ बुरी ऊर्जा लेकर आई काव्या ने अपनी जेड आंखों का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया कि कार में क्या है फिर उसे दो विदेशी आदमी मिले जो पिशाच थे दो पिशाचों के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी थे जिनमें एक ड्राइवर और सामने वाली यात्री की सीट पर बैठा एक व्यक्ति शामिल था काव्या को यकीन नहीं था कि वे तांग युनान को निशाना बना रहे थे लेकिन उनके सामने आने के बाद से उसे कुछ करना पड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका निशाना कौन था काव्या और लेंग शाउटिंग को उन्हें मारना था वे शांत रहे और फिलहाल कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य का पता लगाना था और वे किसे निशाना बना रहे थे कार कुछ ही दूरी पर एक पार्किंग स्थल पर रुकी कोई बाहर नहीं निकला लगभग दस मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी कार की ओर चला सामने वाली यात्री की सीट पर बैठा व्यक्ति कार से बाहर निकला और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लिए कार का दरवाजा खोला अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अंदर आने के बाद वे चले गए बिना किसी हिचकिचाहट के काव्या और लेंग शूटिंग ने उनका अनुसरण किया उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उनका पीछा किया जा रहा है एक घंटे तक उनका पीछा करने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग ने उनकी कार को एक निजी जागीर में जाते देखा काव्या और लेंग शाउटिंग उनका पीछा अंदर नहीं कर सके इसलिए उन्होंने अपनी कार पार्क की फिर जागीर में घुस गए लोगों का समूह एक इमारत के सामने रुका फिर वे सभी बाहर निकले और इमारत में दाखिल हो गए अंत में दो पिशाच और अधेड़ उम्र का आदमी एक कमरे में गए कमरे में फर्श से छत तक की खिड़कियों के सामने एक युवक व्हीलचेयर पर उदास और अवर्णनीय रूप से डरावनी अभिव्यक्ति के साथ बैठा था वह युवक बुरी ऊर्जा से ढका हुआ था इसलिए वह नश्वर नहीं हो सकता था श्री वह वे यहाँ है मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सावधानी से कहा यह सुनकर वह युवक पीछे मुड़ा और उसी उदास भाव से उसकी ओर देखा धन्यवाद अंकल लियू अब आप जा सकते हैं युवक ने कहा जरूर अधेड़ उम्र के आदमी ने उत्तर दिया फिर बाहर चला गया कमरे में केवल व्हीलचेयर पर बैठा युवक और दो पिशाच ही बचे थे बाद में युवक ने अपना मुंह खोला आपके लोग कार्य करने से पहले ही विफल हो गए क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए मुझे बहुत खेद है श्रीमान यह हमारी गलती थी मैं वादा करता हूं कि हम काम पूरा करके रहेंगे एक पिशाच ने कहा पर अब तो तुम दोनों ही बचे हो क्या आपको लगता है कि आप यह कर सकते हैं आखिरकार आपके चार लोग उन दो नश्वर लोगों को नहीं हरा सके श्रीमान ने स्पष्ट नाराजगी के साथ कहा दोनों पिशा चुप थे क्योंकि श्रीमान ने जो कहा वह सही था श्रीमान उन्होंने जारी रखा मुझे पहले से ही दो नश्वर लोगों की पृष्ठभूमि का पता चल गया है यह लड़की शेंगनिंग संस्था की अध्यक्ष काव्या है वह टैंक परिवार की भी सदस्य है और वह आदमी उसका पति है क्योंकि उन्होंने मेरी योजना बर्बाद कर दी मुझे उन्हें वापस भुगतान करना होगा लेकिन उनसे निपटना आसान नहीं है इसलिए हमें चतुर होना चाहिए मैं चाहता हूं कि आप अभी शेंगनिंग संगठन के मुख्यालय पर बमबारी करें यह सुनकर काव्या से और रहा नहीं गया इस आदमी को उसकी कंपनी पर बमबारी करने का विचार कैसे आ सकता है बोम काव्या और लेंग शूटिंग सीधे खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए अगर तुम मेरी कंपनी पर बमबारी करना चाहते हो तो मैं पहले तुम पर और तुम्हारी जागीर पर ऐसा करूंगी काव्या ने ठंडे स्वर में कहा मिस्टर उन्हें और अन्य लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि काव्या और लेंग शाउटिंग उन्हें एक अंधेरी जगह से देख रहे थे इसलिए जब काव्या और लेंग शाउटिंग अचानक आए तो वे सभी चौंक गए आप अंदर कैसे आए श्रीमान उन्होंने सचेत होकर प्रश्न किया उसे उम्मीद नहीं थी कि वे उसे ढूंढ लेंगे इसके अलावा काव्या और लेंग शाउटिंग एक अंधेरी जगह में छिप गए फिर भी उनमें से किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया जिससे साबित हुआ कि वे उनसे अधिक कुशल थे हमने उनका अनुसरण किया काव्या ने पिशाचों पर एक नज़र डाली यह सुनकर श्रीमान और भी अप्रसन्न हो गए वह तुरंत दोनों पिशाचों की ओर देखने लगा और उनसे चुपचाप प्रश्न करने लगा दोनों पिशाच भी पागल थे और मानते थे कि काव्या उनके बीच चीज़ों को भड़का रही थी एक पिशाच ने कहा हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते बेशक आप मुझे नहीं जानते हमने चुपके से आपका पीछा किया काव्या ने कहा दोनों पिशाचों को राहत मिली इससे यह सिद्ध हो गया कि वे उन्हें यहां तक नहीं ले आए हालांकि वे अभी भी नाखुश थे कि उन्होंने उन्हें पीछा करते हुए नहीं देखा श्रीमान उन्होंने अपना संदेह दूर कर दिया लेकिन वे काव्या और लेंग शाउटिंग की उपस्थिति से नाखुश थे वह नहीं जानता था कि उनसे कैसे निपटना है उसके बाद काव्या ने पलट कर मिस्टर ही की तरफ देखा ठीक है ठीक है आप न तो एक सामान्य नश्वर व्यक्ति की तरह दिखते हैं न ही एक दुष्ट कृषक की तरह आपने कब तक खेती की है आपका स्तर बहुत निम्न है श्रीमान वह चौक गए उसे यह उम्मीद नहीं थी कि काव्या यह देख सकेगी कि वह एक दुष्ट कृषक था श्रीमान वह वास्तव में एक दुष्ट कृषक था लेकिन वह एक नया हाथ था इसलिए उसका स्तर बहुत कम था यदि वह सामान्य लोगों से मिलता तो वह बहुत मजबूत होता लेकिन काव्या और लेंग शाउटिंग के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था जो उस्ताद थे श्री वह क्या आपने खुद से खेती की या आपके पास कोई शिक्षक है काव्या ने पूछा यदि किसी ने उसे सिखाया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई दुष्ट साधक होगा आप कौन है काव्या और लेंग शूटिंग का सामना करते हुए श्रीमान बहुत सतर्क थे अगर काव्या देख सकती थी कि वह एक दुष्ट कृषक था तो वह भी एक दुष्ट कृषक होगी क्या तुम्हें पहले से ही मेरी पृष्ठभूमि का पता नहीं चला मैं काव्या हूँ शेंगनिंग संगठन का अध्यक्ष हूँ और मैं टैंग परिवार का सदस्य भी हूँ यह मेरा पति है काव्या मुस्कुरा दी श्रीमान उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी लेकिन वह जानता था कि वे भी उच्च स्तर के कृषक थे इसलिए वह चिंतित था यदि उनमें झगड़ा होता तो निश्चय ही उसे नुकसान होता ऐसे में उसे सावधान रहना होगा आप क्या चाहते हैं श्रीमान उन्होंने पूछा मेरी क्या करने की इच्छा है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी जागीर को उड़ा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी कंपनी पर बमबारी करने का साहस किया है काव्या ने सपाट स्वर में उत्तर दिया मैं बस यही कह रहा था मिस काव्या कृपया इसे गंभीरता से न ले मैं इसके लिए आपसे माफी मांगूंगा हम इससे उबर क्यों नहीं जाते श्रीमान उन्होंने कहा हालांकि उसने नहीं सोचा था कि काव्या रुकेगी फिर भी वह कोशिश करना चाहता था आप तो बस यही कह रहे थे श्रीमान क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा वैसे भी हम आप जैसी बुरी ताकतों को मारने के लिए मौजूद हैं इसलिए भले ही आपकी मेरी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोई योजना न हो मैं आपको जाने नहीं दूंगी काव्या ने कहा श्रीमान उन्हें पूर्वाभास हो गया था हालांकि यदि आप मुझे अपना उद्देश्य बताने को तैयार है तो मैं आपको जीवित रहने दे सकती हूँ काव्या ने गंभीरता से कहा वह मिस्टर ही को नहीं मारेगी लेकिन वह उसे यातना देगी मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है मैंने अभी किसी और के लिए आदेश पारित किया है श्री उन्होंने कहा हालांकि उसके अभिमान ने उसे काव्या और लेंग शाउटिंग के सामने झुकने की अनुमति नहीं दी लेकिन वह मरना नहीं चाहता था ओह क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन है काव्या ने पूछा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे श्रीमान उन्होंने जवाब दिया जरूर काव्या ने उत्तर दिया श्रीमान वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे लेकिन वह जीना चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा वेई क्युआ वेई हुआ सिटी बी के उप सचिव थे और तांग युनहांग जो पार्टी सचिव थे के साथ उनकी कभी नहीं बनी वह हमेशा तांग युनहांग की जगह लेना चाहता था इसलिए उन्होंने सिर्फ मेंग झोकाई को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि तांग युनहांग को भी निशाना बनाया वास्तव में काव्या ने पूछा उसने जो कुछ भी कहा वह उस पर विश्वास नहीं करेगी हाँ श्रीमान उन्होंने उत्तर दिया आप उन्हें कैसे जानते थे काव्या ने पूछा उसने दो पिशाचों पर नजर डाली यह संकेत देते हुए कि वह उनके बारे में बात कर रही थी मुझे हथियारों की जरूरत है इसलिए मैंने मदद के लिए उनकी ओर रुख किया श्रीमान ने कहा चूंकि यही बात थी काव्या ने पूछना बंद कर दिया चूँकि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा मैं तुम्हें मारूंगा नहीं लेकिन मुझे तुम्हें अक्षम अवश्य करना होगा इतना कहते हुए काव्या ने मिस्टर पर हमला कर दिया आप हालांकि श्रीमान ने नहीं सोचा था कि काव्या उन्हें ऐसा करने देगी फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वह दया करेंगी इसलिए जब उसने उस पर हमला किया तो वह क्रोधित हो गया जैसे ही काव्या आगे बढ़ी लेंग शाउटिंग ने दोनों पिशाचों पर भी प्रहार किया उनकी क्षमताओं के बीच बड़े अंतर के कारण मिस्टर ही और दो पिशाचों को काव्या और लेंग शाउटिंग ने तुरंत हरा दिया काव्या और लेंग शाउटिंग ने उन्हें नहीं मारा लेकिन वे सभी विकलांग थे अब से वे विकलांग हो गए और अपना ख्याल रखने में सक्षम नहीं होंगे लड़ाई के शोर ने जल्द ही अन्य लोगों को आकर्षित किया इसलिए काव्या और लेंग शाउटिंग सीधे खिड़की से बाहर कूद गए उन्होंने जादुई ऊर्जा से निगरानी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि यह किसने किया उनके जाने के बाद वे सीधे तांग परिवार के घर वापस चले गए काव्या ने तुरंत तांग यूनहान को फोन नहीं किया क्योंकि उसके काम से छुट्टी लेने का लगभग समय हो गया था उसने उनसे इस बारे में बात करने का निर्णय लिया कि उन्होंने अपना भोजन कब समाप्त किया पिछले कुछ दिनों से यह परेशानी भरा समय रहा है हमें एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा काव्या को अचानक आभास हुआ कि और भी भयानक घटनाएं घटित हो सकती है आप सिटी बी में क्यों नहीं रहते अगर कुछ भी होता है तो आप मदद के लिए यहां रह सकते हैं लेंग शाउटिंग ने सुझाव दिया उन्हें यह भी लग रहा था कि मुसीबत अभी अभिक्म नहीं हुई है शानगुआन यांग और जिंग युनयाव राजधानी में लेंग परिवार का समर्थन कर सकते थे लेकिन उन्हें तांग परिवार की देखभाल के लिए सिटी बी में रहने के लिए किसी की ज़रूरत थी लेंग शाउटिंग को अपना काम करना था इसलिए वह यहां केवल कई दिनों तक ही रह सकते थे जरूर काव्या ने सहमति व्यक्त की हाल ही में जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए वह अभी राजधानी वापस नहीं जा सकती थी यदि केवल नश्वर लोग ही परेशानी पैदा कर रहे होते तो उन्हें चिंता नहीं होती लेकिन इस बार राक्षस और भूत शामिल थे इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ा जब काव्या और लेंग शाउटिंग टैंक परिवार के घर वापस आए तो लगभग शाम के पांच बज रहे थे उन्होंने तान हैफेंग को यह नहीं बताया कि आज उन पर क्या गुजरी है आखिरकार वह एक बूढ़ा आदमी था और वे उसकी चिंता नहीं करना चाहते थे शाम छह बजकर तीस मिनट बजे तांग युनहान घर पहुंचे और वे रात का खाना खाने लगे भोजन के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग ने कहा कि वे ताम युनान के साथ एक निजी बातचीत करना चाहते थे फिर वे ताम युनान के अध्ययन कक्ष में गए अंकल आज जब हम निकले तो देखा कि कुछ लोग असामान्य व्यवहार कर रहे थे हमने उनका पीछा किया और पाया कि वे उसी टीम से थे जिन्हें मेंग जोकाई की हत्या के लिए भेजा गया था हमने बाद में उनसे पूछताछ की और पता चला कि मास्टर माइंड वे की हुआ है मैं एक सौ परसेंट निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए काव्या ने कहा यह सुनकर ताम युनहान अप्रसन्न हुआ लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि वह और वेई हुआ राजनीति में दुश्मन थे वास्तव में वेई हुआ ने पहले भी कई बार उसे परेशान किया था हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह वेई हुआ है इसकी अत्यधिक संभावना है अन्यथा यह मेरे अन्य दुश्मनों द्वारा खेली गई चाल हो सकती है तान युनहान ने कहा क्योंकि यह असामान्य बात नहीं थी कि लोग एक दूसरे को राजनीति में फंसाते थे वे बिना सबूत के इसे साबित नहीं कर सकते थे इसलिए तांग युनहान के साथ परिणाम साझा करने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग तुरंत वेई किहुआ के घर जाकर जांच करने गए यह देखने के लिए कि उन्हें क्या मिल सकता है एक घंटे तक वेई किहुआ के घर के बाहर इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्होंने उसे फ़ोन करते हुए सुना यह पता चला कि इसका वास्तव में उससे कुछ लेना देना था जब वेई किहुआ ने सुना कि मिस्टर हे के साथ क्या हुआ है तो वह क्रोध और चिंता से भर गया उसे आश्चर्य हुआ कि क्या श्रीमान ने उसे धोखा दिया है क्योंकि श्रीमान अब बोल नहीं सकते थे वेई किुआ उत्तर पाने में असफल रहे इसलिए फोन पर बातचीत के दौरान काव्या और लेंग शाउटिंग ने वेई किआ को मिस्टर हे को मारने का आदेश देते हुए सुना आखिरकार केवल मृत लोग ही रहस्य रख सकते हैं वेई किुआ मिस्टर ही को मरवाना चाहता था इसलिए काव्या को उसे जीवित रखना पड़ा इससे पहले कि की वेई किहुआ के लोग मिस्टर हे को मार सकें काव्या उस अस्पताल में गई जहां मिस्टर हे रुके थे जबकि लेंग शाउटिंग वेई किहुआ को देखने के लिए रुके थे काव्या और लेंग शाउटिंग को नहीं पता था कि श्रीमान किस अस्पताल में रुके थे जब तक वेई किुआ ने फोन पर इसका उल्लेख नहीं किया काव्या बिना देर किए वहां चली गई श्रीमान वह एक वीआईपी वार्ड में रह रहे थे उसकी संपत्ति को देखते हुए वह इसे वहन कर सकता था हालांकि श्रीमान का कोई रिश्तेदार नहीं था उनके कुछ वफादार अधीनस्थ थे जो उनके गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी नहीं गए इसके अलावा अंतिम परिणाम आने से पहले वे नहीं जा सके क्योंकि जागीर के अधिकांश लोग संदेह के घेरे में थे निगरानी कैमरे तोड़ दिए गए थे इसलिए उनके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वे निर्दोष थे जब काव्या अस्पताल पहुंची तो वह नर्स की वर्दी में थी जिससे उसके लिए कार्रवाई करना सुविधाजनक हो गया क्योंकि कुछ लोग मिस्टर हे के वार्ड में उनकी सुरक्षा कर रहे थे काव्या तुरंत अंदर नहीं गई इसके बजाय उसने अपनी जेड़ आंखों का उपयोग यह देखने के लिए किया कि आसपास खाली वार्ड है या नहीं वह पहले छिप जाएगी सौभाग्य से श्रीमान के बगल वाला वार्ड खाली था इसलिए काव्या चुपचाप अंदर चली गई लगभग आधे घंटे बाद श्रीमान को कुछ हुआ एक आदमी जो डॉक्टर जैसा लग रहा था उसके वार्ड में आया और कहा कि वह उसकी जांच करने के लिए वहां आया था इसलिए श्रीमान उसके दो अधीनस्थों ने उसे अंदर जाने दिया उसके बाद डॉक्टर श्रीमान को एक इंजेक्शन देना चाहते थे और श्रीमान के दो अधीनस्थों ने उन पर संदेह नहीं किया या उन्हें रोका नहीं तभी काव्या अंदर चली गई श्रीमान उनके दो अधीनस्थों ने सोचा कि नर्स डॉक्टर आई है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन डॉक्टर ने काव्या को देखते ही घबरा गए वह असली डॉक्टर नहीं था इसलिए उसे दोषी महसूस हुआ अरे आप कौन है क्या आपको गलत वार्ड मिल गया डॉक्टर याओ ने मुझे मरीज की जांच करने के लिए कहा उन्होंने दूसरे डॉक्टरों को यहां आने के लिए नहीं कहा काव्या ने आश्चर्य से कहा डॉक्टर याओ श्रीमान थे वह उपस्थित चिकित्सक थे काव्या को पता था कि श्रीमान वह चिकित्सक कौन है क्योंकि उसने वार्ड का निरीक्षण करते समय रोगी के बिस्तर के पास की सूची देखी थी यह सुनकर श्रीमान के दो अधीनस्थ क्रोधित हो गए यदि इस डॉक्टर को डॉक्टर याओ ने यहाँ नहीं भेजा था तो वह यहाँ क्यों आया क्या सचमुच उसे गलत वार्ड मिल गया उन्हें किसी तरह लगा कि वह कारण प्रेरक नहीं था ओ आप सही कह रहे हैं मुझे अवश्य ही गलत वार्ड मिल गया होगा उस आदमी को एहसास हुआ कि वह बेनकाब हो गया है इसलिए उसने वही बहाना बनाया और स्वीकार किया कि उसे गलत वार्ड मिला है फिर वह जाना चाहता था लेकिन काव्या ने उसे रोक दिया यह एक अस्पताल है आप इतनी लापरवाही से गलत वार्ड में कैसे जा सकते हैं यदि मैं आकर तुम्हें न रोकता तो तुम उसके शरीर में दवा डाल देते अगर उसकी हालत खराब हो गई तो क्या होगा काव्या ने पूछा मिस्टर ही के दो अधीनस्थों को पता चला कि यह पुरुष डॉक्टर मिस्टर ही की हत्या करने आया होगा इसलिए वे तुरंत उसे पकड़ने गए लेकिन दुर्भाग्य से वह आदमी मार्शल आर्ट बहुत अच्छा था इसलिए उसने आसानी से मिस्टर ही से छुटकारा पा लिया अधीनस्थ और भागना चाहते थे उनकी प्रतिक्रिया से यह साबित हो गया कि वह वास्तव में मिस्टर ही को नुकसान पहुंचाने आए थे अन्यथा वह भागने की कोशिश नहीं करते अगले ही पल काव्या ने कार्रवाई की और उस आदमी की पिटाई कर दी गई इसके अलावा अगर वह दोबारा भागने की कोशिश करता तो काव्या ने जोरदार लात मारकर उसका पैर तोड़ दिया यह देखकर श्रीमान उनके दो अधीनस्थ चौंक गए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक नर्स इतनी मजबूत होगी ठीक है मैं उसे तुम दोनों के पास छोड़ दूंगी काव्या ने बाहर निकलते हुए कहा अरे श्रीमान उनके दो अधीनस्थ उसे रोकना चाहते थे लेकिन काव्या बहुत तेजी से चली वे अभी नहीं जा सकते थे इसलिए उन्हें हार माननी पड़ी काव्या को इसकी परवाह नहीं थी कि वे इसे कैसे संभालेंगे घटना के बाद श्रीमान को इसे दोबारा होने से रोकने के लिए अधिक सावधान रहना चाहिए वे किहुआ को भी अपनी योजना को अंजाम देने से पहले अधिक सतर्क रहना चाहिए यदि वह वास्तव में मिस्टर ही को मारना चाहता है तो उसे अगली बार पूरी तरह से तैयार रहना होगा जब काव्या चली गई श्रीमान उनके दो अधीनस्थों ने पुलिस को बुलाया जल्द ही वे किहुआ को परिणाम के बारे में पता चला और वह क्रोधित हो गया वह केवल यही आशा कर सकता था कि वह आदमी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा अगले दिन वेई किहुआ ने सुना कि उस आदमी ने उसे धोखा नहीं दिया उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा कि उसे श्रीमान के प्रति द्वेष था इसलिए वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और अस्पताल में था हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका लक्ष्य मिस्टर ही को मारना था वह नहीं चाहता था कि श्रीमान जल्दी से उठें वैसे भी उन्हें कुछ साल जेल की सज़ा सुनाई गई लेकिन सज़ा गंभीर नहीं थी वेई हुआ फिलहाल सुरक्षित थे काव्या और लेंग शाउटिंग ने तांग युनहान को बताया कि उन्होंने सत्यापित किया कि मास्टरमाइंड वास्तव में वेई हुआ था लेकिन वे तुरंत उसके साथ कुछ नहीं कर सके आखिरकार सबूत पर्याप्त नहीं थे उनके लिए वेई हुआ को गुप्त रूप से वापस भुगतान करना आसान नहीं हो सकता था लेकिन वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे हालांकि वे परिणाम को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे इसलिए उन्होंने फिर भी वी हुआ को थोड़ी परेशानी पैदा करने का फ़ैसला किया इसलिए रात में काव्या और लेंग शाउटिंग फिर से वेई की हुआ के घर गए काव्या ने वेई की हुआ के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ठंडी जादुई शक्ति जारी की यह गंभीर नहीं था लेकिन अगले महीनों में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा परिणाम स्वरूप जब वेई हुआ अगले दिन उठे तो उन्हें अचानक पता चला कि उनके अंग कठोर हो गए हैं जैसे ही उसने हिलाया तो उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा उनके लिए बोलना भी मुश्किल हो गया था उन्होंने बिना देर किए अपने परिवार से उन्हें अस्पताल भेजने के लिए कहा गिरोह आमतौर पर बार कैसीनो और होटल जैसे व्यवसायों में शामिल होते थे लेकिन कोई दुर्घटना होने की स्थिति में उनके लिए कुछ सदस्यों को मुख्यालय में रखना आवश्यक था इसलिए कुलीन और प्रमुख सदस्य जागीर में रुके रहे चूंकि काव्या अंदर अकड़ कर चल रही थी इसलिए जागीर के लोगों की नजर उस पर आसानी से पड़ गई वे तुरंत आगे बढ़े और उसे घेर लिया आप कौन है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जागीर में घुसने की सामने वाले आदमी ने गुस्से में काव्या से सवाल किया काव्या ने कहा मैं लॉन्ग वैक्सीन को देखना चाहती हूँ आपको क्या लगता है कि आप क्या है आदमी ने तिरस्कार पूर्वक पूछा मैं तुम्हारा मालिक हूँ काव्या ने उत्तर दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ले आओ भाइयों आदमी ने आदेश दिया फिर पुरुषों के समूह ने काव्या पर हमला कर दिया हालांकि वे टाइगर ज्ञान में सबसे अच्छे थे और अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थे लेकिन उनकी तुलना काव्या से नहीं की जा सकती थी इसलिए इससे पहले कि वे उसे छू पाते उन्हें लात मार कर दूर कर दिया गया काव्या ने उन्हें साधारण किक से हरा दिया वे जानते थे कि यह लड़की कमज़ोर नहीं हो सकती क्योंकि उसने अकेले ही घुसपैठ करने का साहस किया लेकिन फिर भी वे उसकी कुशलता से आश्चर्यचकित थे बाहर के शोर ने अन्य सदस्यों को आकर्षित किया और उन्होंने तुरंत काव्या पर हमला कर दिया लेकिन काव्या ने फिर भी उन्हें आसानी से हरा दिया अंत में किसी ने भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की आप कौन है किसी ने पूछा मैं लॉन वैक्सीन को देखने आया था उससे कहो कि वह बाहर निकल जाए नहीं तो मैं जो कुछ भी देखूंगी उसे नष्ट कर दूंगी काव्या ने कहा लड़ाई से पहले अगर कोई लड़की ऐसा कहती थी तो वे इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे क्योंकि वह सिर्फ एक लड़की थी लेकिन काव्या ने उन सभी को आसानी से हरा दिया था इसलिए वे उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं कर सकते थे और वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वे कौन थे और उनका एक स्पष्ट उद्देश्य था एक सेकंड रुको उन्होंने इस बार हिंसा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत इसकी सूचना लॉन वैक्सीनक को दी जल्दी करो मेरे पास धैर्य नहीं है काव्या ने कहा वह आदमी जल्दी से लॉन्ग वैक्सीन को देखने के लिए दौड़ा समय बर्बाद करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई उस समय लॉन्ग वैक्सीोन अपने अध्ययन कक्ष में कुछ मेहमानों के साथ बात कर रहे थे उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है इसलिए जब उनके अधीनस्थ ने अंदर आकर उन्हें बताया कि एक लड़की ने अकेले में घुसकर उन सभी को पीता तो उन्हें बेहद सदमा लगा लॉन्ग वैक्स्योंग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि एक लड़की ने अकेले ही उसके सभी अधीनस्थों को हरा दिया था उनका महिलाओं के प्रति गहरा पूर्वाग्रह था और उनका मानना था कि महिलाएं कमजोर और बेकार हैं उन्होंने स्वीकार किया कि ताकतवर महिलाएं हो सकती हैं लेकिन वे बहुत दुर्लभ थी इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया मुझे बहुत खेद है श्रीमान आप मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है कृपया मुझे क्षमा करें लॉन्ग वैक्सीग ने अपने मेहमानों से माफी मांगी अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ शायद मैं मदद कर सकता हूँ युवक जिसे मिस्टर यू कहा रहा था ने पेशकश की वह यह देखने को उत्सुक था कि किस प्रकार की लड़की पुरुषों के एक समूह को हरा सकती है बिल्कुल नहीं लॉन्ग वैक्सीोम ने कहा यह सच था कि श्रीमान आप मददगार हो सकते हैं आखिरकार श्रीमान आप कमजोर नहीं थे हालांकि वह उस लड़की से नहीं डरा था जिसने उसके सभी माथतों को पीटा था उसे सावधान रहना था क्योंकि लड़की ऐसा करने में सक्षम थी उसे डर था कि शायद उसका उसे कोई मुकाबला न हो फिर भी उसके पास बंदूकें थी इसलिए उसे डर नहीं लगा बाद में श्रीमान आप लॉन्ग वैक्सीग के साथ बाहर गए फिर उन्होंने काव्या को देखा आप कौन है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जागीर में घुसकर मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की आप क्या चाहते हैं लॉन्ग वैक्सीोन ने काव्या को उदासीनता से देखा उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से भरी थी काव्या ने अहंकार पूर्वक कहा मैं तुमसे मिलने आई थी लॉन्ग वैक्सीन किस लिए लॉन्ग वैक्सीग ने पूछा झान क्वानलियांग के बारे में काव्या ने उत्तर दिया झान क्वानलिया ट्रक ड्राइवर था यह सुनकर लॉन्ड वैक्सीओम को समझ आ गया कि काव्या क्यों आई है लेकिन वह उसकी दक्षता से आश्चर्यचकित था वैसे भी चूंकि काव्या पहले से ही वहां थी उसे पता होना चाहिए कि इसका उससे कुछ लेना देना है इसलिए लॉन्ग वैक्सीम थोड़ा चिंतित हो गया हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह परेशानी भरा होगा मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं मैं झांग क्वानलिया नामक एक व्यक्ति को जानता हूँ लेकिन हम परिचित नहीं है तुम उसके संबंध में मुझसे मिलने क्यों आए लॉन्ग वैक्सीन ने पूछा उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वे एक दूसरे को जानते थे लेकिन फिर भी वह इस झंझट से बाहर निकलना चाहता था आखिरकार उसे नहीं लगा कि काव्या के पास कोई सबूत है जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे स्वाभाविक रूप से पहले ही पता चल गया है कि इसका आपके साथ कुछ लेना देना है यदि आप स्वीकार करते हैं और मुझे बताते हैं कि मास्टरमाइंड कौन है तो मैं आपको हल्की सज़ा दे सकता हूँ लेकिन यदि आप इनकार करते हैं तो मुझे डर है कि मैं केवल आपके गिरोह को नष्ट कर सकता हूँ काव्या ने सपाट स्वर में कहा उसने नहीं सोचा था कि टाइगर ज्ञान कोई बड़ी समस्या थी वास्तव में उनके लिए उन्हें बर्बाद करना आसान नहीं हो सकता था आप लॉन्ग वैक्सीग गुस्से में था और चिल्लाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि काव्या ऐसा कर सकती है हालांकि वह बहुत कुशल थी उसने नहीं सोचा था कि वह उसके गिरोह को बर्बाद कर सकती है श्रीमान आपको पता नहीं था कि झाम क्वानल्यांग ने क्या किया है लेकिन वह काव्या के अहंकार से चकित थे उन्होंने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि उनमें टाइगर गैंग को बर्बाद करने की क्षमता है इसके अलावा उन्हें घमंडी महिलाएं भी पसंद नहीं थी यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसे आपके सामने साबित कर दूंगी काव्या ने लॉन्ग वैक्सीोना को उकसाते हुए जारी रखा लॉन्ग वैक्सीग गुस्से में था इसलिए उसने काव्या को सबक सिखाने का फैसला किया बिना देर किए उसने अपनी बंदूक निकाली और काव्या पर ता दी उसने बंदूकों का इस्तेमाल करने का साहस किया क्योंकि यह एक निजी जागीर थी आसपास कोई नहीं था इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी लॉन्ग वैक्सीग बहुत तेजी से आगे बढ़ा और सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़िए कुशल लोग भी गोली से बचने में सक्षम नहीं हो सकते थे हालांकि काव्या की नजर में गोली धीमी नहीं हो सकती थी इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं डरी गोली लगने पर काव्या तुरंत नहीं हिली जिससे अन्य लोगों को लगा कि उसे गोली लगने वाली है लॉन्ग वैक्सीन बहुत संतुष्ट था हालांकि जब उन्हें विश्वास हो गया कि गोली काव्या के शरीर में घुस जाएगी तो वह थोड़ा मुड़ गई जिससे गोली उससे छूट गई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया उन्हें लगा कि उसे गोली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है यह कैसे संभव हुआ लॉन्ग वैक्सीन इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था उसने काव्या पर कुछ और गोलियां चलाई लेकिन काव्या फिर भी आसानी से गोलियों से बच गई यदि आपके पास विस्फोटक भी हो तो भी मैं नहीं डरूंगा क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बंदूकें मुझे घायल कर सकती हैं काव्या ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया आप लॉन्ग वेक्सियोन ने इस बार काव्या पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह गोलियों से बचने में सफल रही उसने पहले कभी किसी और को ऐसा करते नहीं देखा था इसलिए जब उसने टाइगर ज्ञान को नष्ट करने की धमकी दी तो वह अवश्य ही गंभीर रही होगी लीडर आपने कोशिश की है तो क्या अब आपको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए काव्या ने पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है कि झांग झांकलिया ने जो किया है उसका मुझसे कोई लेना देना है लॉन्ग वेक्सियोन ने पूछा मैंने जांच की और पता चला क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम इसे गुप्त रख सकते हो काव्या उस पर हंसी अगर ऐसा है तो मुझे सबूत दिखाओ अन्यथा यह सिर्फ बदनामी है लॉन्ग वेक्सियोन ने कहा हालांकि वह जानता था कि काव्या को यकीन था कि वह दोषी है फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था यदि उसने इसे स्वीकार कर लिया तो वह गंभीर संकट में पड़ जाएगा प्रमाण खैर मुझे इसकी जरूरत नहीं है और तुम्हें मुझसे बहस करके समय बर्बाद करना बंद करना चाहिए मुझ में धैर्य नहीं है चूंकि मैं तुमसे मिलने आया हूं तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे पहले से ही यकीन है कि तुम दोषी हो यदि आप मुझे बताएं कि मास्टरमाइंड कौन है तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा यदि नहीं तो मैं मजाक नहीं कर रही हूं कि मैं टाइगर गैंग को बर्बाद कर सकती हूं काव्या ने अधीरता से कहा आप लॉन्ग वैक्सीन क्रोधित था लेकिन झिझक भी रहा था श्रीमान आप मूल रूप से लॉन्ग वैक्सीन की मदद करना चाहते थे और अपना कौशल दिखाना चाहते थे लेकिन काव्या ने गोलियों से कैसे बचा यह देखने के बाद उन्होंने हार मान ली यहाँ तक कि वह पहले ही वहां से चले जाना चाहता था कहीं ऐसा न हो कि उसे मुसीबत में फंसाया जाए इसलिए श्रीमान आपने कहा लीडर यदि आप अभी व्यस्त हैं तो मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए लॉन्ग वैक्सीोन ने समझा कि श्रीमान आप प्रभावित नहीं होना चाहते थे लेकिन यह सामान्य था क्योंकि वह टाइगर गैंग के सदस्य नहीं थे हालांकि लॉन्ग वैक्सीआन अभी भी अप्रसन्न था क्योंकि मिस्टर आपने सिर्फ उसकी मदद करने का वादा किया था लेकिन अब भागना चाहते थे फिर भी वह मिस्टर यू को रुकने के लिए बाध्य नहीं कर सका इसलिए उसे सहमत होना पड़ा कृपया श्रीमान आप श्रीमान आपने उनकी राय की परवाह न की और तुरंत अपने दो नौकरों के साथ चले गए काव्या ने उसे नहीं रोका क्योंकि वह देख सकती थी कि मिस्टर आप टाइगर गैंग के सदस्य नहीं थे मिस्टर यू के चले जाने के बाद काव्या चुपचाप लॉन्ग वैक्सीोन की ओर देखने लगी और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी लॉन्ग वैक्सीोन को अचानक समझ नहीं आया कि काव्या को कैसे जवाब दिया जाए वह हार मानने को अनिच्छुक था लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था लीडर यदि आप मुझे बताने से इनकार करते हैं तो मुझे डर है कि मैं केवल हिंसा का उपयोग कर सकता हूँ लॉन्ग वैक्सीन काफी देर तक चुप रहा इसलिए काव्या ने अपना धैर्य खो दिया कृपया मत करो लॉन्ग वैक्सीोन आखिरकार तैयार हो गया यह सच है कि मैंने झाम क्वालियांग को ऐसा करने का आदेश दिया था लेकिन मुझे भुगतान भी किया गया था असली मास्टरमाइंड हुआंग परिवार का वारिस हुआंग युवेन है जहां तक कारण की बात है मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है लॉन्ग वैक्सीोनर ने कहा हुआंग परिवार वे करते क्या है काव्या ने पूछा वह सिटी एच के प्रमुख परिवारों से अपरिचित थी वे सिटी एच में सबसे अमीर लोग हैं लॉन्ग वैक्सीो ने उत्तर दिया क्या आपके पास यह साबित करने के लिए सबूत है कि यह हुआंग युवेन है काव्या ने पूछा बेशक मैं जब हमें इस तरह के कार्य मिलते हैं तो हम हमेशा सबूत रखते हैं ताकि उजागर होने पर अपनी सुरक्षा कर सके लॉन्ग वैक्सीोनर ने कहा वे अवैध गिरोह थे इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा करना सीखना पड़ा अपनी क्षमताओं के भीतर वे मास्टरमाइंड को गुप्त रखने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन एक बार जब वे सुरक्षित नहीं रह गए तो उन्हें मास्टरमाइंड को धोखा देना पड़ा हालांकि उन्हें इस कार्य को करने के लिए भुगतान किया गया था लेकिन वे इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे बाद में लॉन्ग वैक्सीन ने अपना फोन निकाला और वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी यह हुआंग के साथ उनकी बातचीत थी हुआंग हुंग ने रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने केवल लॉन्ग वैक्सींग को एक निश्चित धनराशि देने का वादा किया और उसे एक स्थान पर एक कार पर हमला करने का आदेश दिया उन्होंने लॉन्ग को कोई अन्य विवरण नहीं दिया लॉन्ग वैक्सीोम ने भी नहीं पूछा आखिरकार उसे कार्य करने के लिए भुगतान किया गया था उसे और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी दरअसल भले ही हुआंग युवेन ने उसे नहीं बताया लेकिन उसने खुद ही लक्ष्य की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगा लिया यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था लेकिन फिर भी वह इस कार्य को करने के लिए सहमत हो गया क्योंकि हुआंग युवेन ने उसे बहुत अधिक भुगतान किया था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉन्ग वैक्सीन ने नहीं सोचा था कि कोई भी सच्चाई का पता लगा पाएगा मुझे अपना फोन दे काव्या ने लॉन्ग वैक्सीोन का हाथ पकड़ लिया आप क्या करना चाहते हैं लॉन्ग वैक्सीन ने पूछा उसके फोन में कई राज है मुझे केवल यह वॉयस रिकॉर्डिंग चाहिए मैं आपके फोन पर अन्य जानकारी नहीं पढ़ूंगी काव्या ने कहा लॉन्ग वैक्सीन को संदेह था लेकिन उसे अपना फोन काव्या को देना पड़ा क्योंकि वह इसे अपने पास नहीं रख पाएगा एक बार जब काव्या के पास लॉन्ग वैक्सीन का फोन था तो उसने तुरंत वॉयस रिकॉर्डिंग उसके ईमेल बॉक्स में भेज दी फिर उसने अपने फोन पर फाइल डाउनलोड की और लॉन्ग वैक्सीन को उसका फ़ोन वापस देने से पहले उसके फोन से ईमेल हटा दिया हालांकि लॉन्ग वैक्सीॉन के लिए इसे पुनर्प्राप्त करना मुश्किल नहीं था लेकिन काव्या चिंतित नहीं थी लॉन्ग वैक्सीन का फोन उसे लौटाने के बाद काव्या ने उसके लिए मुश्किलें पैदा करना बंद कर दिया हालांकि जाने से पहले उसने फिर भी उसे चेतावनी दी यदि आपने मुझे गलत उत्तर दिया तो मैं आपके पास वापस आऊंगा जैसे ही उसकी बात खत्म हुई काव्या चली गई लॉन्ग वैक्सीोन ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की न ही उसके जाने के बाद उसने हुआंग युवेन को इसकी सूचना दी हुआंग युवेन को धोखा देने के बाद उसके लिए उसके साथ अच्छे संबंध रखना असंभव था इसके अलावा वे दुश्मन भी बन सकते हैं इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा काव्या के जाने के बाद उसने कैसे हुआंग युवेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा क्योंकि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी जब के को पता चला कि हुआंग परिवार कहाँ रहता है और उसे हुआंग युवेन की कुछ तस्वीरें मिली तो उसने सत्यापित किया कि हुआंग युवेन कहाँ है और काव्या तुरंत उससे मिलने गई टाइगर गैंग को जल्द ही पता चला कि लॉन्ग वैक्सींग के साथ क्या हुआ था इसके नेता को पता नहीं था कि वह किस कार्य को करने के लिए सहमत हुए हैं लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह गलत था चूंकि वे एक अवैध गिरोह थे इसलिए भुगतान मिलने पर हत्या करना उनका काम था हालांकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्हें ज़िम्मेदारी लेने की जरूरत है सौभाग्य से कोई बड़ी क्षति नहीं हुई यदि टाइगर गैंग वास्तव में बर्बाद हो जाता तो उनका नेता लॉन्ग वेक्सियोनक को मार डालता सिटी एच में सबसे अमीर परिवार के रूप में हुआंग परिवार सुरक्षा गार्ड और निगरानी कैमरों के साथ एक बड़े घर में रहता था जब काव्या पहुंची तो रात के दस बज चुके थे अभी बहुत देर नहीं हुई थी इसलिए हुआंग परिवार अभी भी जाग रहा था काव्या ने अपनी जेड आंखों का उपयोग करके पहले घर के चारों ओर देखा यह जांचने के लिए कि हुआंग यूवेन कहाँ है जब तक वह उसे ढूंढ नहीं लेती वह कोई कार्रवाई नहीं करेगी उस समय हुआंग हुआंगुवेन तीसरी मंजिल पर एक कमरे में दस्तावेज पढ़ रहे थे हालांकि हुआंग परिवार के घर में कई सुरक्षा गार्ड और निगरानी कैमरे थे फिर भी काव्या आसानी से अंदर घुस गई और हुआंग युवेन के कमरे की खिड़की पर चढ़ गई क्योंकि गर्मियों के दौरान गर्मी थी हुआंग ने खिड़की खोली और कोई चोर नहीं था यह बुलेट प्रूफ शीशा था इसलिए आमतौर पर लोग इसे तोड़ नहीं पाते थे और कोई भी उसके घर से कुछ भी चुराने की हिम्मत नहीं कर पाता था आखिरकार वहाँ बहुत सारे सुरक्षा गार्ड और निगरानी कैमरे थे अगर आम लोग अंदर घुसने की हिम्मत करते तो आसानी से पकड़े जा सकते थे लेकिन काव्या की नजर में यह बेकार था खिड़की पर चढ़ने के तुरंत बाद वह अंदर नहीं गई इसके बजाय उसने पहले हुआंग हुआंगुवेन पर हमला करने के लिए ठंडी जादुई शक्ति जारी की उसने उसके शरीर को फ्रीज करने का फ़ैसला किया ठंडी जादुई शक्ति द्वारा हमला किए जाने के बाद हुआंग युवेन को तुरंत ठंड महसूस हुई लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने बस सोचा कि वह बहुत देर तक बैठा रहा इसलिए उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया और कुछ देर आराम किया हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी हालत और खराब हो गई है वह अपने परिवार को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाना चाहता था लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा सौभाग्य से वह सफलतापूर्वक अपने फोन तक पहुंच गया हालांकि ठीक उसी समय काव्या आई और उसका फोन छीन लिया कुआम युवेन उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक लड़की को अचानक सामने आते देखा वह कौन थी वह अचानक उसके घर क्यों आ गई उसने कोई आवाज नहीं की क्या उसने उसके शरीर को अकड़ने का कारण बना दिया यदि यह संबंधित था तो उसने इसे कैसे संभव बनाया यह अविश्वसनीय था यदि नहीं तो उसे अचानक पूरे शरीर में अकड़न क्यों महसूस होने लगी आप कौन है हुआंग युवेन ने सवाल किया वह बोल सकता था लेकिन उसकी आवाज़ कर्कश थी इसलिए वह चिल्ला नहीं सका काव्या ने कहा अब आपके लिए भुगतान करने का समय आ गया है क्या हुआंग हुआंगुवेन ने कहा मुझे आपका कुछ भी बकाया नहीं है वह जानता था कि यह लड़की मिलनसार नहीं थी इसलिए उसने पहले ही उसे चोट पहुंचाई होगी उसने बहुत सारे बुरे काम किए थे इसलिए अगर उनमें से कोई भी पीड़ित उससे मिलने आता तो उसे आश्चर्य नहीं होता लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति इतना मजबूत होगा आपने तांग युनहान के खिलाफ योजना क्यों बनाई या क्या किसी ने आपको तांग युनहान की हत्या के लिए लॉन वैक्सीन को भुगतान करने का आदेश दिया था काव्या ने सीधे शब्दों में कहा उसने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह तांग युनहान के कारण आई थी यदि वह ईमानदार नहीं होती तो उसे उतर कैसे मिलता यह सुनकर हुआंग युवेन घबरा गई हैरानी की बात यह है कि यह लड़की उससे यह सवाल करने आई थी कि तांग युनहान के साथ क्या हुआ था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी योजना इतनी जल्दी उजागर हो गई और यह लड़की उसे आसानी से मिल गई असल में उन्होंने मूल रूप से नहीं सोचा था कि यह एक अच्छा विचार था क्योंकि तांग युनहान बहुत शक्तिशाली था और तांग परिवार के लिए सच्चाई की खोज करना मुश्किल नहीं होगा लेकिन वह बहुत दबाव में था और उसे हार माननी पड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि दुर्घटना के कई दिनों बाद उसे पकड़ लिया गया तांग परिवार बहुत कुशल था क्या आपके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि इसका मुझसे कुछ लेना देना है हुआंग युवेन ने पूछा वह जानता था कि इस लड़की के पास कुछ सबूत होना चाहिए लेकिन सबूत देखने से पहले वह इसे स्वीकार करने से हिचक रहा था शायद इस लड़की के पास कोई सबूत नहीं था यदि उसके पास सबूत नहीं होता तो वह उसका कुछ नहीं कर सकती थी भले ही उसे विश्वास हो कि वह दोषी है कुमा काव्या ने उपहास किया फिर अपना फोन निकाला और लॉन्ग वैक्सीन से मिली वॉयस रिकॉर्डिंग चला दी वॉयस रिकॉर्डिंग में यह बिल्कुल साफ था कुआंग युवेन ने लॉन्ग वैक्सीन को एक निश्चित कार में किसी को मारने का आदेश दिया हुआंग युवेन निराश हो गए और क्रोधित हो गए अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी यह रिकॉर्डिंग लॉन्ग वैक्सीन द्वारा रिकॉर्ड की गई होगी क्योंकि जब वह उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने निजी बातचीत की थी वह समझ गया था कि मदद के लिए एक अवैध गिरोह की ओर रुख करना जोखिम भरा था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग वैक्सीन उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करेगा और यहां तक कि उसे धोखा भी देगा अचानक हुआंग युवेन को समझ नहीं आया कि क्या कहे श्री हुआंग तुम कुछ क्यों नहीं कहोगे क्या यह मूखा है काव्या ने पूछा एक वॉयस रिकॉर्डिंग कुछ भी साबित नहीं कर सकती उस आदमी की आवाज मेरी परिचित है लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि यह मैं ही हूं हुआंग हुआंगुवेन ने तर्क दिया श्री हुआंग यहां कोई भी मूर्ख नहीं है आपको गंजेपन से झूठ क्यों बोलना पड़ता है आप एक बेवकूफ की तरह दिखेंगे काव्या ने मजाक उड़ाया आप हुआंग हुआंगुवेन पागल था लेकिन वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा था इसलिए वह इससे इनकार नहीं कर सका हालांकि वह अभी भी इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक था अगर तुम्हें लगता है कि यह मैं हूं तो मुझे ठोस सबूत दिखाओ वॉयस रिकॉर्डिंग में किसी ने तांग युनहान का उल्लेख नहीं किया तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसके विरुद्ध योजना क्यों बनाई हुआ ने फिर से तर्क दिया श्री हुआ आप इससे बच नहीं सकते भले ही आपने वॉयस रिकॉर्डिंग में तांग यूनहाम के नाम का उल्लेख नहीं किया हो जिस का के बारे में आपने बात की वह तांग युनहान की कार है इसलिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आप दोषी हैं और इस रिकॉर्डिंग में आवाज आपकी है यह एक निर्विवाद सत्य है पुलिस इसे स्पष्ट रूप से जानती है काव्या ने हुआंग युवेन पर हंसते हुए कहा हुआंग युवेन फिर चुप थी काव्या सही थी कार तांग यूनहाम की कार थी इसलिए उसका उद्देश्य अधिक स्पष्ट नहीं हो सका भले ही उसने तांग यूनहान के नाम का उल्लेख नहीं किया श्री हुआंग मेरा धैर्य खम हो रहा है यहां तक कि लॉन वैक्सीन ने भी इसे स्वीकार किया क्या आपको लगता है कि आप इससे इनकार कर सकते हैं काव्या ने पूछा यह सुनकर हुआंग युवेन डर गई आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह लड़की लॉन्ग वैक्सींग से अपराध कबूल करवा सकती है वह बहुत शक्तिशाली होगी हालांकि वह उसे धोखा देने के लिए लॉन्ग वैक्सीन से नाराज़ था लेकिन वह समझ गया कि लॉन्ग वैक्सीन के पास कोई विकल्प नहीं बचा होगा आखिरकार उन्होंने पहले भी कई बार सहयोग किया था और इस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था इसलिए जाहिर है यह लड़की जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी मैंने उस कार के ड्राइवर को निशाना बनाया तांग यूनहान को नहीं यदि तांग यूनहान प्रभावित हुआ है तो मुझे खेद है मैं मुआवजा चुका सकता हूँ हुआंगवेन ने स्वीकार किया कि उसने कार दुर्घटना का कारण बना लेकिन उसने फिर भी यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि तांग यूनहान उसका लक्ष्य था ड्राइवर और तांग यूनहान की स्थिति के बीच अंतर के कारण परिणाम पूरी तरह से अलग होगा श्री हुआ झूठ बोलना बंद करो मैं जानता हूं कि आपको ऐसा करने का आदेश किसी और ने दिया था अगर आप मुझे बताएं कि वह कौन है तो मैं आपसे सवाल करना बंद कर दूंगा यदि नहीं तो आपका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाएगा और आप बात करने या हिलढलने में सक्षम नहीं होंगे रक्त संचार बंद हो जाएगा और आप मर जाएंगे इससे भी बुरी बात यह है कि कोई भी इसका कारण नहीं समझ पाएगा काव्या ने धमकी दी वह उसे नहीं मारेगी लेकिन वह उसे अक्षम करने जा रही थी युवेन ने उसे नाम बताया या नहीं उसका विकलांग होना तय था तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया हु युवेन भयभीत थी क्या उसने सचमुच उसे अकड़ने का कारण बना दिया ठीक है ऐसा लगता है कि आप अभी भी मुझे बताने को तैयार नहीं है ठीक है तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों का आनंद ले सकते हो काव्या ने कहा फिर उसने हुआंग युवेन पर हमला करने के लिए और अधिक ठंडी जादुई शक्ति छोड़ी जिसने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से अकड़ रहा है चू हुआंग युवेन भयभीत हो गया और उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया वह मरना नहीं चाहता था हालांकि वह नहीं जानता था कि काव्या ने क्या किया है हालांकि वह यह नहीं देख सका था कि उसका शरीर वास्तव में तेजी से अकड़ रहा था काव्या की बातों पर गौर करे तो ये सब उसी ने किया होगा जब हुआंग युवेन ने बात की तो काव्या ने अपनी जादुई शक्ति जारी करना बंद कर दिया अगले ही पल हुआंग युवेन को लगा कि उसकी हालत बिगड़ना बंद हो गई है जिससे वह चौंक गया और डर गया मैं यहां वे युवे है हुआंग युवेन ने कहा काव्या ने वे यूवेई का नाम सुना था वह सिटी बी में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और तांग युनहान के राजनीतिक दुश्मनों में से एक थे क्या आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है काव्या ने पूछा हालांकि हुआंग युवेन ने उसे एक नाम बताया था और इसके सच होने की अत्यधिक संभावना थी लेकिन काव्या को नहीं लगा कि यह बिना सबूत के प्रेरक है हुआंग युवेन ने कहा मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है और बस इतना ही लेकिन मैं वादा कर सकता हूं कि यह वास्तव में वे युवे है वह लॉन विक्सौन जितना सावधान और गणना करने वाला नहीं था जो निजी बातचीत के दौरान सबूत रखता था इसके अलावा वे युवे के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे हुआम परिवार और वेई परिवार बहुत करीब थे जबकि वह और लॉन्ग वैक्सीन लाभ के लिए एक साथ काम करते थे दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह इसे और अधिक गुप्त नहीं रख सका क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था मैं इसकी जांच करना जारी रखूंगा अगर तुमने झूठ नहीं बोला तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पछताना पड़ेगा काव्या ने धमकी दी फिर खिड़की से बाहर निकल गई